हेलो स्टूडेंट्स, नाउ अगेन वी आर स्टार्टिंग हियर विद सम मोर टॉपिक्स टू क्लियर द कंपेयरिंग क्वांटिटीज डिस्काउंट. आई वाज एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द डिस्काउंट इन माय लास्ट वीडियो. नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू सम मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू द डिस्काउंट. जस्ट नाउ दिवाली वाज देयर एंड यू मस्ट हैव हर्ड एंड सीन सेल सेल सेल, 50% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट. दीज डिस्काउंट्स आर गिवेन इन द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट आइटम्स. 50% ऑफ, 25% ऑफ, दिवाली धमाका, लाइक दिस. सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ दैट? दैट वॉट एवर इज द प्राइस रिटन ऑन द बॉक्स इज द मार्केट प्राइस. That market price is reduced, उसको कम कर दिया जाता है. And that is actually the discount. So it is the market price minus the selling price. Selling price जितने में बेचा उसमें जितने में कीमत लिखी थी minus जितने में हमने बेचा. Suppose आपको discount मिला था, just I have explained you. That discount is given, suppose 20%. 20% is the discount given on an object whose market price is suppose 1220. Now on this 20% discount is given, so the selling price is market price minus 20% of 1220, and so you can calculate it using this 1220 minus 122 into 2 is 244, and on subtracting this you'll get the selling price, that on how much it is sold, that is 976. 976 is the selling price. Now you are very much happy ki 1220 rupees ka object hai jiski market price ye likhi thi, and you have got it in 976 rupees. So this is the discount given. In the big malls and big shops, the discount is given almost 10% in every object. Har object mein lagbhag 10% ka discount rehta hai. You must have also seen ki 200 rupees mein t-shirt le jaiye, ya every object worth rupees 200. Bade bade banners lage rehte hain, and in those banners it is written that 50% ऑफ, 20% ऑफ, और हर आइटम की कीमत 200 रुपीज़ और 100 रुपीज़, 150 इन द शू मटेरियल, 150 में ले जाइए. सो वॉट एवर इज़ द थिंग दैट इज़ गिवन एज द डिस्काउंट, डिस्काउंट वही डिस्काउंट होता है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉस्ट प्राइस, the market price, the discount, and the selling price. Cost price is that price which a shopkeeper gets the material. On CP, he buys the material from the factory or from the wholesale shops. कोई भी दुकानदार, कोई भी जो पर्सन है, इफ़ ही इज़ परचेजिंग द थिंग देन दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस. सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ एन बुक, हम एक बुक का ले लेते हैं या कोई भी आइटम है. ऑन दैट बुक सपोज ही बाइज, नाउ ही इज़ नॉट बाइंग वन और टू आइटम्स, ही इज़ बाइंग ए लॉट. वो एक या दो चीज़ें नहीं खरीदता है, बहुत ढेर सारा, मतलब बुक इज़, इट इज़ परचेजिंग एंड ही इज़
टेकिंग इन थाउजेंड्स, 2000, लाइक दिस, या 100, एक साथ 100 खरीदता है. सो वॉट एवर इज द प्राइस ही ऑन विच ही बायज फ्रॉम द कंपनी और फ्रॉम द होलसेल मार्केट, दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस टू हिम. वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस रहती है. सपोज नाउ 100 rupees इज़ द कॉस्ट प्राइस. उसने 100 rupees फॉर ईच बुक इज द कॉस्ट प्राइस फॉर. नाउ इन एवरी ऑब्जेक्ट, इन एवरी बुक ही मार्क्स हिज ओन प्राइस. अपना खुद का प्राइस मार्क करता है. एंड सो यू हैव सीन दैट एक पेपर या चिट लिखी रहती है और उसमें उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखी रहती है. नाउ सपोज ही मेक्स इट एज ₹200, उसने 200 rupees दे दिया. एंड देन ही ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 10%, और उसके बाद 10% का डिस्काउंट. नाउ डिस्काउंट इज गिवन इन दिस वन, 200 rupees, 10% ऑफ दिस मीन्स 20 rupees का डिस्काउंट. 20 rupees का डिस्काउंट मीन्स ही विल बी सेलिंग द आइटम ऑन मार्केट प्राइस माइनस द डिस्काउंट, दैट इज 180 rupees. नाउ यू कैन सी दैट ही हैज बॉट फॉर 100 rupees एंड ही हैज सोल्ड ऑन 180 rupees, मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ ₹80. उसको 80 rupees का प्रॉफिट हुआ. सो ही इज सेलिंग लाइक दिस, दिस कॉस्ट प्राइस. ही मार्क्स हिज ओन प्राइस. इन सम ऑफ द आइटम्स ऑलरेडी इट इज़ रिटन, पहले से कंपनी तय करती है कि इतने में देना है और वो बॉक्सेस वगैरह में लिखा रहता है. बट व्हेन द शॉपकीपर इज़ परचेजिंग इट, देन ही इज़ गेटिंग एट ए लोअर कॉस्ट, एक कम प्राइस में उसको मिलता है. सपोज कोई मशीन है, वाटर हीटर है या और एनी अदर थिंग्स, उसके बॉक्स में पहले से ही लिखा हुआ है. देन व्हेन ही बाइज, ही इज़ गेटिंग एट ए लेसर प्राइस, उसको कम कीमत में मिलती है और उस प्राइस में ही इज़ गिविंग द डिस्काउंट, और उसमें डिस्काउंट देता है या उतने का ही बेच देता है. देन ऑल्सो ही इज़ इन प्रॉफिट. सो वॉट एवर इज़ द प्रॉफिट ही इज़ मेकिंग, ही इज़ मेकिंग ऑन हिज कॉस्ट प्राइस. उसके पॉकेट से 100 rupees लगा और उसने बेचा कितना, 180 में. सो ही इज़ गेटिंग ए प्रॉफिट ऑफ 80%, 80 rupees. ही इज़ गेटिंग ए प्रॉफिट ऑफ ₹80. So that is how they are giving the discount. If they are not giving the discount, then also they are getting. अगर discount नहीं देते हैं, सीधे सीधे 200 में sell करते हैं, then also he is having a profit. उसके बाद भी profit है. And if they are giving the discount, discount कितना, 10% या 20%, 30%, 50%, जितना भी देंगे वो कम करने के बाद भी he is having the profit. So you have to just understand this concept. Now there are some of the questions I'll be giving you to solve by yourself. Suppose the market price is ₹350 and discount is equals to 15%, then you find out the selling price. तो आप selling price find करिए. If suppose the market price is, suppose ₹770 and the discount is 30%, then find out the selling price. So solve these two questions, try to solve this question. In the next video I'll be explaining you the answer of these and with some more topics.